नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अवकल समीकरण का सजेशन देखेंगे, है ना। क्लास 12th का अवकल समीकरण का सजेशन। तो इस सजेशन के प्रश्न से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इतना प्रश्न से बाहर आप लोग के एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। इतना प्रश्न से बाहर आप लोग के एग्जाम में नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। और बच्चों, यदि आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग शाम को 4:30 बजे डाउट क्लास में जरूर आइए, और जो भी आपको समस्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो पूछिए, और है ना, अपने घर जाइए, ठीक है। तो आप लोग को जो भी डाउट क्लास है, जो भी डाउट है आप लोग को, है ना, जो भी प्रश्न आपको पूछना है, किसी भी कंफ्यूजन से, ठीक है, तो आप लोग शाम को 4:30 बजे जरूर आइए। आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, हमारा अवकल समीकरण का पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ अवकल समीकरण डी बाय डी एक्स प्लस वाई बराबर ई पी पावर एक्स कोटि है ना, कोटि है। तो बच्चों, आपको कोटि और घात से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ना, कोटि और घात से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको अवकल समीकरण में ये देखना है कि अवकल समीकरण में कितना बार अवकलन किया गया है ना, कितना बार अवकलन किया गया है। जैसे कि अगर कहें डी बाय बटे डी एक्स लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि अवकल समीकरण में जो है वो एक बार अवकलन किया गया है, ठीक है। अगर डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अवकल समीकरण में दो बार अवकलन किया गया। अगर डी क्यू एक्स बटे डी एक्स क्यू और डी क्यू बाय बटे डी एक्स क्यू लिखा हुआ रहा, तो इसका मतलब वह तीन बार अवकलन किया गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें यही देखना है, ठीक है, यही देखना है। तो इसमें देखिए कि अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है, इसमें अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है, तो इसमें अधिकतम एक बार अवकलन किया गया, कितना बार, एक बार, है ना, क्योंकि इसमें डी बाय बटे डी एक्स है, इसलिए इसकी कोटि कितना हो जाएगी, वन, इसकी कोटि होगी वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या दो, यहाँ पे जो है इसमें बाई ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डी बाय बटे डी एक्स बराबर दिया हुआ ए पे पावर एक्स प्लस बाई। चलिए तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, इसको लिख देते हैं डी बाय बटे डी एक्स बराबर ए पे पावर एक्स इंटू ए पे पावर बाई, ठीक है। चलिए अब बाय वाला को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा वन बटे ई पे पावर बाई डी बाई बराबर हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ देखे ध्यान से, तो जाएगा ई पे पावर माइनस बाई डी बाई, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे ई पे पावर एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स। अब करेंगे क्या, देखे ध्यान से, तो दोनों तरफ कर देंगे समाकलन, तो होगा ई पे पावर माइनस बाई डी वाई बराबर हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस ई पे पावर माइनस वाई बराबर हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा आपका जीरो बराबर ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस वाई प्लस सी, तो यही हो गया आपका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ऑप्शन में देखिए क्या होगा, ई पे पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई बराबर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या तीन, बोल रहा अवकल समीकरण इतना कि कोटि और घात है, कोटि और घात है। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि कितना बार अवकलन किया गया है, तो इसमें अधिकतम दो बार अवकलन किया गया है, अधिकतम दो बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि दो होगा, कोटि कितना हो जाएगा दो, कोटि होगा दो। अब घात, तो जितना जो अधिकतम कोटि होती है उसी के पावर को घात बोलते हैं, जिसमें अधिकतम कोटि कितना है दो, इसके ऊपर पावर कितना है एक, इसलिए इसका घात हो जाएगा एक, कोटि हो जाएगा दो और घात हो जाएगा एक, घात है ना, कोटि दो घात एक, ना कोटि दो होगा और घात एक होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या चार, बोल रहा अवकल समीकरण इतना का हल है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई बराबर दिया हुआ है एक्स बाई डी एक्स। चलिए तो करते क्या है, एक्स वाला को एक तरफ बाई वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए बाई डी एक्स और एक्स बाई डी एक्स, इधर है
प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, तो एक्स बाई डी एक्स, और एक्स डी बाई इधर माइनस में इधर क्या होगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई, हो जाएगा यहाँ पे एक्स डी बाई। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो आप यहाँ से करेंगे क्या, बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स डी बाई, ठीक है एक्स डी बाई। तो देखिए ध्यान से, तो अब एक्स वाला को एक तरफ कर लेते हैं, बाई वाला को एक तरफ कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा वन माइनस एक्स, एक्स गुना में इधर क्या होगा भाग में, और डी एक्स और जगह यहाँ पे देखिए वन बटे बाई डी बाई। अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग तो होगा वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स बराबर होगा वन बटे बाई डी बाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स, इंटीग्रेशन होगा वन बाय बाई डी बाई, तो हो जाएगा वन बाय एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा लॉग मॉड बाई, लॉग मॉड बाई, ठीक है। और यहाँ प्लस के लिख देते हैं इससे, प्लस के, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो जगह आपका यहाँ पे के, और के प्लस माइनस एक्स और प्लस लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स माइनस लॉग बाई बराबर बराबर जीरो, बराबर जीरो, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे के बदले भी लिख लेते हैं लॉग सी, लॉग सी, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस लॉग एक्स, ये माइनस में है तो होगा लॉग एक्स बाय बाई, लॉग एक्स बाय बाई, ठीक है बराबर हो जाएगा आपका एक्स, फिर ये दोनों भी प्लस में है तो हो जाएगा लॉग हो जाएगा सी इंटू एक्स बाय बाई बराबर हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो जगह यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो जगह लॉग सी एक्स बाय बाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स, तो लॉग को इस साइड कर देंगे तो सी एक्स बाय बाई बराबर हो जाएगा ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स, ठीक है कितना हो जाएगा ई पे पावर एक्स। तो देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा आपका एक्स बराबर हो जाएगा वन बटे सी, सी गुना मेरे भाग में जाएगा इधर बाई हो जाएगा, तो बाई ई पी पावर एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। कांस्टेंट के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हमारा आंसर में क्या होगा, तो हमारा जो आंसर में होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स के बाई ई पावर एक्स, कॉन्स्टेंट के जहाँ पर कुछ भी आ सकता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, बोल रहा इतना का समाकलन गुणांक है ना, समाकलन गुणांक, चलिए तो समाकलन गुणांक देखिए, तो हो जाएगा डी बाय बटे डी एक्स, डी बाय बटे डी एक्स प्लस बाई बाय एक्स बराबर बाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये है हमारा रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, डी बाय बटे डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू, इसको बोलते हैं लोग रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं, रैखिक अवकल समीकरण। तो इसमें पी और क्यू के स्थान पे हमेशा एक्स होना चाहिए, पी और क्यू के स्थान पे एक्स, लेकिन यहाँ देखिए क्यू के स्थान पे यहाँ बाई भी दिया हुआ है, तो अगर क्यू के स्थान पे बाई चला आता है तो जितना भी बाय रहेगा उससे क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग दे देंगे, भाग चलते हैं बाय स्क्वायर, तो भाग दे देते हैं, हो जाएगा वन बटे बाय स्क्वायर डी बाय बटे डी एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस बाई बटे एक्स बाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर कट गया, ठीक है एगो बाई और एगो बाई कट गया, तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका वन बटे बाई स्क्वायर डी बाई बटे डी एक्स, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका वन बटे एक्स अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे वन बटे बाई अलग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका वन बटे एक्स स्क्वायर, अब देखिए जितना वन बटे बाई आया है ना, वन बटे बाई उतना को हम लोग टी मान लेंगे, तो टी बराबर होता हो जाएगा वन बटे बाई, इसलिए डी टी बटे डी एक्स बराबर निकालेंगे तो होगा माइनस वन बटे बाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स,
क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, तो अब यहाँ पे माइनस को इधर कर लेते हैं, तो होगा माइनस डी टी बटे डी एक्स बराबर होगा 1 बटे वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। चलिए तो अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, देखिए इतना का मान, ठीक है, क्या दिया हुआ है, माइनस डी टी बटे डी एक्स, तो माइनस डी टी बटे डी एक्स लगा दिए, अब प्लस 1 बाय x, 1 बाय y का मान क्या है, t, तो t लगा दिए, अब बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बाय x स्क्वायर। तो अब यहाँ से माइनस जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे डी टी बटे डी एक्स माइनस 1 बाय x इंटू t हो जाएगा इधर 1 बाय x स्क्वायर, हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स माइनस 1 बाय x इंटू t बराबर हो जाएगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है। अब t के बगल में जो रहेगा उसको p मानते हैं, क्या मानते हैं p, तो p बराबर हो जाएगा आपका माइनस 1 बाय x। तो निकालिए इंटीग्रल आई एफ, आई एफ को बोलते हैं समाकलन गुणांक, e पे पावर इंटीग्रेशन होता है p डी एक्स, तो e पे पावर हम लिखेंगे माइनस 1 बाय x dx, तो e पे पावर हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, तो यहाँ लिख देंगे e पे पावर लॉग एक्स इनवर्स, बाहर निकल जाएगा एक्स इनवर्स, तो आ जाएगा 1 बाय x, वही हो गया हमारा आंसर 1 बाय x, ठीक है, 1 बाय x यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका सी। फिर प्रश्न संख्या 6 देखें, बोला डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू एक्स के फलन है, समाकलन गुणा, तो अभी जस्ट फॉर्मूला पर हैं, ई पी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। चलिए इसका प्रश्न जैसा बोला, अवकल समीकरण इतना बार की कोटि है, इसमें देख लीजिए अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है, जिसमें अधिकतम एक बार अवकलन किया गया है, जिसमें कोटि कितना जाएगा इसका, एक यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8, 8 में बोल रहा है देखिए इतना का घात है, तो सबसे पहले आप लोग इसमें ये देखिए, इसमें अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है, तो इसमें अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है, अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है, कितना बार, अधिकतम 2 बार, तो इसी के पावर को घात बोलते हैं, पावर कितना है 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है अवकल समीकरण इतना का हल है, अभी जस्ट ऊपर में इसका हल किए हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 बोला इतना का समाकलन गुणांक होता है, तो ई पी पावर पी डी एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, देखिए प्रश्न संख्या 11, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 का देख लीजिए, प्रश्न संख्या 11 कहाँ लग रहा है, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। चलिए फिर भी देखते हैं, डी एक्स माइनस डी वाई अब बराबर दिया हुआ है डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे करते क्या है, देखिए ध्यान से, तो डी एक्स माइनस डी वाई बाय, ये गुना में है इधर इधर कर देंगे भाग में, तो होगा डी एक्स प्लस डी वाई बराबर होगा 1 बटे x प्लस 4। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ कर देंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना, क्या करना है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कर देंगे, डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है समझिए, तो यहाँ अगर लिखे लिखे हुए ए बटे बी और यहाँ लिखे हुए पी बटे क्यू, करते क्या, हर को अंश में जोड़ के ऊपर लिखते हैं, हर को अंश में जोड़ के ऊपर लिखते हैं, और हर को अंश में घटाकर नीचे लिखते हैं, ठीक है, एक हम ऊपर करेंगे पी प्लस क्यू बटे पी माइनस क्यू। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई, और जोड़ के ऊपर लिखना है, हर को अंश में जोड़ के ऊपर लिखना है, तो हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई अब बटे, यहाँ हो जाएगा देखिए डी एक्स माइनस डी वाई घटाकर, हर को अंश में घटाकर नीचे लिखना है, तो हो जाएगा माइनस डी एक्स प्लस डी वाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 4 बटे 1 माइनस x प्लस 4, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे डी वाई और डी वाई आपका कट गया, तो डी एक्स आ गया 2 डी एक्स, और यहाँ पे आपका जो है
यहाँ पे आपका डी एक्स और डी एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 dy अब बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स +5 अब बटे हो जाएगा यहाँ पे -x -3 तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया आपका कट गया। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं इसको, देखिए ध्यान से यहाँ उलट देते हैं, इसको उलट देते हैं ठीक है, तो -dy/dx इधर भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जगह x+3/x+5 यहाँ से माइनस माइनस का हो गया कट गया। तो अब एक्स वाला को एक तरफ कर लेते हैं और वाई वाला को एक तरफ कर लेते हैं ठीक है। तो देखिए ध्यान से तो हो जाएगा आपका इधर देखे dy बराबर हो जाएगा x+3/x+5 x+3/x+5 dx। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से तो हो जाएगा dy बराबर हो जाएगा x+ को लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 5 और -2 अब बटे हो जाएगा x+5 dx। चलिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं तो dy बराबर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हो जाएगा आप देखिए x+5/x+5 -2/x+5 dx। तो यहाँ पे देखिए dy का हो जाएगा y अब बराबर ये कट जाएगा तो होगा इंटीग्रेशन होगा 1 -2/x+5 dx तो होगा y=x- हो जाएगा 2 हो जाएगा log x+5 + k। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा देख लीजिए इधर माइनस में होगा प्लस में होगा 2 log x+5 अब बराबर हो जाएगा x-y+k देख लीजिए इस टाइप का आंसर है ना, इस टाइप में आंसर आया है। लेकिन यहाँ पे 4 है, इसमें 4 कहीं नहीं दिया हुआ है ठीक है, इसमें 4 कहीं नहीं दिया हुआ है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12 बोला अवकल समीकरण इतना कि कोटि है, फिर कोटि आ गया तो इसमें अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है 2 बार, इसलिए कोटि कितना हो जाएगा 2। फिर प्रश्न संख्या 13 बोला अवकल समीकरण इतना घात है तो इसमें अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है 2 बार, 2 बार इसका घात कितना 1, इसे घात हो जाएगा इसका 1। प्रश्न है 14 बोले अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक तो dy/dx+y sec x अब बराबर दिया हुआ है tan x ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए dy/dx+py=q तो p के बगल में क्या है sec x लिख देंगे p=sec x ठीक है। तो अब if(e)(p)dx ये होता है तो if(e)(sec x) तो जगह sec x dx तो देखिए if(e)पावर हो जाएगा log हो जाएगा sec x+tan x ना, तो ये होगा हमारा आंसर, ये जो होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा sec x+tan x जो होगा वो बाहर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 15 बोला अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक है, समाकलन गुणांक ठीक है, इतना का बोल रहा है समाकलन गुणांक तो फिर हमको आई एफ ही निकालना है ना, आई एफ ही निकालना है। फिर तो देखिए ध्यान से यहाँ बाई के बगल में क्या है कॉस, यहाँ माइनस दिया हुआ है इसलिए पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे -cos x तो इसलिए if=e^p लिखेंगे इंटीग्रेशन -cos x dx तो जगह e^cos का क्या होता है साइन, तो होगा sin x -sin x तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है अवकल समीकरण इतना का घात है, इसका घात कितना हो जाएगा 1। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 17 देखें और अवकल समीकरण इतना का कोटि है तो इसमें अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है तो 2 बार, इसलिए कोटि कितना हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या निम्न में कौन से समघातीय अवकल समीकरण है तो इसका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ए क्यों होगा आपको समझा देते हैं, देखिए तो ए में दिया हुआ x² / dx - x
प्लस बाई क्यू इंटू डी वाई बराबर 0 दिया हुआ है। तो समघातीय अवकल समीकरण उसी को कहते हैं जिसमें जितना ही पद दिया हुआ रहेगा प्रत्येक पद की पावर को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला पद है इसमें 2 इसका पावर 1, तो कितना आएगा 3, इसका पावर भी कितना है 3, इसका पावर भी कितना है 3। इसी को हम लोग बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 बोला अब समीकरण इतना का घात है, घात घात पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका अधिकतम कोटि क्या है, तो अधिकतम कोटि 2 है। अधिकतम कोटि कितना है 2 है, अधिकतम कोटि जो इसका है वो 2 है ठीक। इसका इसी का पावर कितना है 1, इसका घात कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20 जो है ये जो प्रश्न है हर बार पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए एक मरते। तो आपको दिया हुआ है लिमिट एन टेंड टू इनफिनाइट और यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर एन तक, और दिया हुआ है आर क्यूब बटे आर पे पावर 4 और प्लस एन पे पावर 4 ठीक है। तो यहाँ से करते क्या है ध्यान से देखें, तो यहाँ से हम लोग करते क्या है देखिए, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनाइट और सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक और आर क्यू अब बटे यहाँ से करते क्या है आर पे पावर 4 जो है वो एन पे पावर जो 4 है वो कॉमन ले लेते हैं, एन पे पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए, हो जाएगा यहाँ पे आर पे पावर 4 अब बाय एन पे पावर 4 और प्लस वन। अब इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, देखिए ध्यान से इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं यहाँ से देखें। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनाइट, एन टेंड्स टू इनफिनाइट सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर एन तक, और देखिए हाँ एन पे आर 4 है तो इसको लिख देते हैं आर क्यू बाय एन क्यू अब बटे यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1 प्लस आर पे पावर 4 बाय एन पे पावर 4 इंटू यहाँ लिख देते हैं 1 बाय एन। तो देखिए ध्यान से अब इसको हम लोग देखिए ध्यान से, तो लिमिट एन टेंस टू इनफिनाइट और आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक और आर क्यू बटे एन क्यू अब बटे 1 प्लस आर पे पावर 4 बाय एन पे पावर 4 और इसको यहाँ सिग्मा फिर अलग लिख देते हैं आर बराबर 1 से लेकर एन तक 1 बाय एन ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग है ना, सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर एन और 1 बाय एन का मान जो होता है वो क्या होता है 1 होता है 1, क्योंकि अगर वो आप लोग 1 बाय एन को एन बार जोड़िएगा, 1 बाय एन को अगर एन बार जोड़िएगा है ना, 1 बाय एन को अगर आप लोग एन बार जोड़िएगा तो 1 आएगा ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे एन टेंस टू इनफिनाइट तो 1 बाय एन टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ देखिए ध्यान से तो यहाँ पे मान लेते हैं आर बाय एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं एच, आर बाय एन बराबर कितना हो जाएगा एच ठीक है। तो देखिए ध्यान से अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लिमिट में है ना, लिमिट में कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग ठीक है। तो देखिए लिमिट में कन्वर्ट करेंगे तो पहले निकाल लेते हैं लिमिट का निम्न सीमा है ना, निम्न सीमा निकाल लेते हैं, निम्न सीमा तो निम्न सीमा निकाल लेते हैं लिमिट का निम्न सीमा तो किससे निकालेंगे, तो आर बाय एन से निकालेंगे। कब तो निम्न सीमा निकालना होगा तो नीचे वाला रखेंगे, नीचे वाला तो आर रखेंगे आर बराबर 1 रखेंगे ठीक। देखिए ध्यान से हो जाएगा आर बराबर 1 आर बाय एन तो 1 बाय एन का मान कितना है 0। अब देखिए फिर उच्च सीमा निकालेंगे, उच्च सीमा अगर निकालेंगे तो उच्च सीमा निकालेंगे तो आर बाय एन तो यहाँ पे आर बराबर एन रखेंगे तो यहाँ आर का मान जब यहाँ एन रखेंगे तो एन एन क्या होगा कट के 1 आ जाएगा, कितना जाएगा कट कर 1 आएगा ठीक है। देखिए तो ये अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ध्यान से तो आई बराबर अब यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 1। देखिए यहाँ कितना दिया हुआ आर क्यू बाय एन क्यू, आर क्यू बाय एन क्यू तो आर बाय एन को क्या माने हैं एच, तो हो जाएगा एच का क्यू। और यहाँ कितना दिया हुआ है आर आर पावर 4 बाय एन पे पावर 4 और आर बाय एच क्या माने हैं एच, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एच पे पावर 4 डी एच।
अब इसको कर देंगे, देखिए आप टी बराबर यहाँ पे मान लेते हैं 1 प्लस h पे पावर 4, तो डी टी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4h³dh, तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 0 से 1, और h³dh का मान देखिए 4 है गुना में इधर का हो जाएगा भाग में, तो h³dh का मान अब यहाँ लिख देंगे 1/t और जाएगा dt/4, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, 1/t क्या होता है log t, तो log t इसके पावर कितना 0 से 1, चलिए तो 1/4 और log t का मान पुट कर दीजिए, t का मान कितना 1 प्लस h पे पावर 4, ठीक है 0 से 1। अब इसका मान अगर रख देंगे इसमें तो आ जाएगा आपका 1/4 log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 22, है ना, प्रश्न संख्या 22। तो बोला समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, तो क्या होगा ई पे पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ऑप्शन नंबर सॉरी होगा ई पे पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, क्योंकि ये समीकरण उल्टा दिया हुआ है, देखिए डी एक्स बाय डी वाई ने उल्टा दिया हुआ है, प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जब उल्टा दिया हुआ रहे तो इंटीग्रेशन ई पर पी डी वाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23 बोला इतना का हल है, इतना का हल है, देखिए ध्यान से, जब 1 प्लस x² dy अब बराबर है यहाँ पे 1 प्लस y² dx, इसमें करते क्या है x वाला को अलग कर लेते हैं, y वाला को अलग कर लेते हैं एक साथ, तो देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा dy/1 प्लस y² और बराबर हो जाएगा आपका dx/1 प्लस x², आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे, तो dy/1 प्लस y² और इंटीग्रेशन कर देंगे तो dx/1 प्लस x², तो कितना होगा, तो होगा टेन इनवर्स y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x+k, टेन इनवर्स x+k, ठीक है। तो आपका जो है इसमें आंसर देखिए ध्यान से, तो चलिए इसमें फिर से इसको देखते हैं, देखिए ध्यान से, तो इसको हो जाएगा यहाँ पे 0 बराबर tan इनवर्स x - tan इनवर्स y+k, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो k है इस साइड प्लस में, इसको इस साइड ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको तोड़ देते हैं फॉर्मूला पे, तो हो जाएगा x - y/1 प्लस x y। अब देख माइनस के बदले इसको हम लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, टेन इनवर्स c, तो हो जाएगा टेन इनवर्स x - y/1 प्लस x y, दोनों तरफ टेन है तो टेन टेन हट जाएगा, तो आएगा c बराबर x - y/1 प्लस x y, अपना को नहीं गुना कर दो तो c * 1 + x y बराबर होगा x - y, तो देख लीजिए अब आंसर क्या होगा आपका, है ना, अपना आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए x - y = c * 1 + x y, 1 + x y, 1 + x y, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो जाएगा आपका k * 1 + x y और y - x आया है, चलिए हाँ ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये वाला हो सकता है, चलिए क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आ सकता है। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 24, बोला अवकल समीकरण इतना का हल है, अवकल समीकरण इतना का हल है, फिर इसका हमको हल निकालना है, तो देखिए चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे 24 में दिया हुआ है आपका x+y इंटू dx - dy और बराबर दिया हुआ है आपका dx+dy, चलिए इसको गुना कर देते हैं, देखिए ध्यान से, हो जाएगा x dx - x dy, और हो जाएगा फिर यहाँ पे इसको 1 मिनट, देखिए यहाँ पे x + y बराबर
डी एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई गुना में क्या होगा भाग में डी एक्स माइनस डी वाई। फिर क्या करते हैं, कर देते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो, कंपो नेंडो एंड डिवाइड एंडो, डिवाइड एंडो कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो, ठीक है कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो। तो हो जाएगा वहां पे एक्स प्लस वाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, प्लस वन अब बटे हो जाएगा वहां पे एक्स प्लस वाई माइनस वन, और हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस डी वाई, अब प्लस हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई, अब बटे हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस डी वाई, अब माइनस हो जाएगा आपका डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है तो देखिए ध्यान से, तो आपका यहाँ से डी एक्स क्या होगा आपका कट जाएगा, और यहाँ से आपका डी वाई क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस वन बटे एक्स माइनस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई माइनस वन, अब बराबर यहाँ जाएगा आपका टू डी एक्स, अब बटे हो जाएगा यहाँ पे आपका टू डी वाई, टू डी वाई टू टू क्या हो गया आपका कट गया। अब इसको उलट देते हैं तो देखिए हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन बटे हो जाएगा आपका एक्स, नहीं उलट दिए हैं ना इसको, उल्टा कर दिए हैं सॉरी, तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस वन बटे हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है चलिए ध्यान से देखें, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अब प्लस वन अब माइनस टू अब वाई एक्स प्लस वाई प्लस वन, यहाँ पे वन वन माइनस टू लिख दिए हैं घटाएंगे तो माइनस वन ही रहेगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो अगर डी वाई बटे डी एक्स तो जगह एक्स प्लस वाई माइनस वन सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस वन बटे हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस टू बटे एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये आपका कट गया, तो कट गया तो यहाँ पे आपका आ गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर तो जाएगा वन माइनस टू बटे एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब यहाँ टी मान लेते हैं, टी बराबर मान लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो हो जाएगा आपका डी टी बराबर एक्स का हो जाएगा वन और आपका वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, अभी कर दीजिए डी टी बटे डी एक्स, अब वन प्लस में इधर होगा माइनस में तो माइनस वन प्लस डी टी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब इसमें रख देते हैं देखिए ध्यान से, इसमें रख देते हैं तो डी टी डी वाई बटे डी एक्स की जहाँ पे रख देंगे माइनस वन अब प्लस डी टी बटे डी एक्स अब बराबर वन माइनस टू बटे टी, वन माइनस टू बटे टी, ठीक है वन माइनस टू बटे टी, तो देखिए से हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे डी टी बटे डी एक्स बराबर वन माइनस में इधर क्या होगा प्लस में, तो होगा टू माइनस टू बटे टी, टू माइनस टू बटे टी, तो देखिए ध्यान से। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो डी टी बटे डी एक्स बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा टी, यहाँ जाएगा आपका टू टी माइनस टू, अब यहाँ पे करते क्या है देखिए ध्यान से, तो टी टी है इधर गुना में इधर होगा भाग में, तो टी और टू टी माइनस वन इधर गुना में इधर का होगा भाग में, तो टू टी माइनस टू और डी टी और डी एक्स इधर भाग में इधर का होगा गुना में तो बराबर डी एक्स। अब इसको हम लोग करते क्या है देखिए ध्यान से, तो इसमें हम लोग हाँ ये करते हैं टू टी दो से क्या किए इसमें हम गुना कर दिए और दो से भाग कर देते हैं, ठीक है दो से गुना कर दिए दो से भाग कर दिए, टू टी और दो से गुना कर दिए और फिर करते क्या है माइनस दो जोड़ देते हैं और फिर प्लस दो जोड़ देते हैं तो बटे हो जाएगा टू टी माइनस टू डी टी बराबर डी एक्स। अब इसको देखे ध्यान से तो वन बाय टू
इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये जो होगा हमारा ये कट जाएगा, तो जाएगा वन अब प्लस टू बटे हो जाएगा 2t-2 और dt बराबर हो जाएगा dx। अब इसका समाकलन कर देंगे ना, इसका समाकलन कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर दो कॉमन ले जाए, देखिए पहले चलिए 1/2, 1/2 बाहर ले लिए ठीक है, और वन अब प्लस यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे कट जाएगा, तो जाएगा 1/t-2 dt बराबर x। अब यहाँ से देखिए इसका समाकलन करेंगे तो आएगा 1/2, 1 का हो जाएगा t और इसका हो जाएगा log mod t-2 और इसका हो जाएगा x प्लस dx है ना, तो dx का x प्लस c 1/2। और टी टी का मान कितना है रख दीजिए, टी का मान जो है वो रख दीजिए, टी का मान हम लोग कितना माने थे देख लीजिए, टी बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो रख दें 1/2 × x + y + 1 और माइनस हो जाएगा लॉग, यहाँ पे रखेंगे टी का मान तो होगा x + y - 1 बराबर हो जाएगा x + c, तो यही होगा हमारा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 25, तो बोला अवकल समीकरण इतना का हल है ना, अवकल समीकरण इतना का हल है, तो दिया हुआ है dx/x अब प्लस दिया हुआ है dy/y बराबर 0। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो होगा dx/x अपलस इंटीग्रेशन dy/y बराबर 0, तो जगह यहाँ पे देखे इसका हो जाएगा log x अपलस इसका हो जाएगा log x प्लस log y और इधर हो जाएगा आपका k, इधर आपका हो जाएगा k, तो देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा log x/y बराबर k, तो हो जाएगा x/y बराबर कितना k, एक्स वाई बराबर के यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 देखें, अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक है ना, तो देखिए पहले अवकल समीकरण दिया हुआ है हमारा, देखिए ध्यान से cos स्क्वायर एक्स और यहाँ दिया हुआ है dy/dx प्लस y बराबर दिया हुआ है 10x, करेंगे क्या कॉस स्क्वायर एक्स तो भाग दे देंगे, तो जगह पे dy/dx प्लस y/cos² x प्लस हो जाएगा 10x, सॉरी बराबर हो जाएगा आपका 10x/cos² x ठीक है, तो अगर dy/dx प्लस हो जाएगा आपका sec² x / y बराबर हो जाएगा आपका 10x/cos² x, तो हाँ जगह p बराबर हो जाएगा आपका sec² x, तो if बराबर हो जाएगा e पे पावर इंटीग्रेशन sec² x dx, हो जाएगा e पे पावर 10x, e पे पावर 10x ना, e पे पावर 10x यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27, बोला अवकल समीकरण इतना का हल है, इतना का हल है, तो इसका जो हल हल हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखिए, तो 28 में दिया हुआ ए पे पावर 5x dx प्लस ए पे पावर 6y dy बराबर 0, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा ए पे पावर 5x/5 प्लस जाएगा ए पे पावर 6y/6 बराबर हो जाएगा के, बराबर कितना हो जाएगा के, तो देख लीजिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29 बोला रैखिक अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक ना, समाकलन गुणांक, तो देखिए dy/dx प्लस y/x बराबर x^5, तो यहाँ देखिए तो dy/dx प्लस 1/x × y बराबर x^5, 1/x को p मान लेंगे, तो p बराबर लिखेंगे 1/x, तो जगह यहाँ पे if बराबर e पे पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, e पे पावर log x, तो जगह यहाँ पे कितना x ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 30 बोला इतना के कोटि है, तो इसमें अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है, दो बार, ऑप्शन नंबर ए।
तो बच्चों बस ये हुआ आपका अवकल समीकरण का सजेशन खत्म। इतना प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रश्न से बाहर नहीं होगा ना, इतना प्रश्न से बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए, तो बच्चों आज के, और बच्चों यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है ना प्रश्न आने में, एक्सरसाइज में कोई भी, एक्सरसाइज में भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग शाम को 4:30 बजे जरूर आइए। हम आप लोग के लिए हम बैठे हुए हैं, हम आप लोग के लिए हमेशा बैठे हुए हैं। जो जो प्रश्न पूछेगा, जहां से पूछेगा, हम वहां से बताएंगे। तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग शाम में जरूर आइए, ठीक है।